हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रेरणा और स्वागत है आपका यूट्यूब सहेली चैनल में। फ्रेंड्स, हमारी जो भी सहेलियां, आप सभी सहेलियां जो गर्भधारण की तैयारी कर रही हैं, डेट मिस हो जाने के बाद टेस्ट किट से टेस्ट करने तक बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहती है कि प्रेगनेंसी का पता कैसे लगाया जा सकता है। क्योंकि ऐसा सवाल इसलिए उठता है क्योंकि आप अपनी प्रेगनेंसी के प्रति चिंतित होती हैं कि अगर मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मैं अपनी प्रेगनेंसी को कैसे सुरक्षित रखूँ, अपने खान पान में परहेज करूँ। क्योंकि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको अपने खान पान में, अपनी जीवनचर्या में, अपनी कार्यशैली में, अपने तौर तरीके में कुछ बदलाव करने पड़ते हैं ताकि आपको मिसकैरेज का खतरा ना हो। तो आपके इन्हीं सवालों के जवाब के फॉर्म में ये वीडियो आप लोगों के लिए प्रस्तुत है कि प्रेग्नेंट होते ही आपको कैसा दर्द होता है। क्योंकि महिलाओं में, अधिकांश महिलाओं में देखा गया है कि प्रेग्नेंट होने पर हल्का फुल्का पेन उन्हें ज़रूर होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप प्रेग्नेंट होती हैं तो आपकी बच्चेदानी की परत जो होती है, भ्रूण जो होता है, जो जाइगोट होता है ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में आने के बाद, फेलोपियन ट्यूब से निकलने के बाद यूट्रस में इम्प्लांट होता है तो एक छोटा सा वहाँ गड्ढा बनाता है और वहाँ पे वो चिपक जाता है, जिसको हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो इस प्रक्रिया में हल्का फुल्का पेन, जो कि खिंचाव के फॉर्म में हो सकता है, टिंगलिंग के फॉर्म में हो सकता है, बहुत हल्के तरीके से हो सकता है, जरूर होता है, क्योंकि ये अधिकांश महिलाओं में नोटिस किया गया है। तो ये पेन कब होता है, ओवुलेशन के कितने दिन बाद होता है, पीरियड से कितने दिन पहले होता है, कितनी मात्रा में होता है और ये कहाँ कहाँ हो सकता है, पेट में ये कहाँ कहाँ आपको फील हो सकता है, ये सारी चीजें हम आज के वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये पेन आपको कब हो सकता है, ओवुलेशन के बाद और पीरियड से पहले कब ये समय होता है जब आपको इस पेन को ऑब्जर्व करना है, ताकि पीरियड से पहले आप अपनी प्रेगनेंसी का अंदाजा लगा सकें। फ्रेंड्स, ओवुलेशन के बाद 6 से 10 दिन के बीच में आपको ये पेन फील हो सकता है, क्योंकि 6 दिन ओवुलेशन से लेकर 6 दिन तक का प्रोसेस होता है कि जो भ्रूण है वो यूट्रस में आए। तो 6ठे दिन से लगाकर आगे के 3-4 दिनों में आप इसको महसूस कर सकते हैं। ये वक्त होता है पीरियड से 6-7 दिन पहले और ओवुलेशन के 6-7 दिन बाद का। अगर आपकी साइकिल 28 दिन की है तो 20वें दिन के बाद आपको ये पेन हो सकता है। 30 दिन की साइकिल है तो आपको 21वें दिन के बाद ये पेन आपको ऑब्जर्व करना है, ध्यान रखना है इस चीज़ का अपनी प्रेगनेंसी को प्रेडिक्ट करने के लिए। और अगर आपकी साइकिल 35 दिन के लगभग है और आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, आपका ओवुलेशन सफलतापूर्वक हुआ है, तो आप 21-22 दिन के बाद में इस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। ये वो समय होता है जब इम्प्लांटेशन होता है, प्रेगनेंसी रुकती है, तो ये पेन होता है। अब बात करेंगे कि ठीक है, इन दिनों में हमको ऑब्जर्व तो करना है, लेकिन वो पेन कैसा होगा, उस पेन की पहचान क्या होगी, उस पेन को कैसे पहचाने, क्योंकि पेट में हो सकता है कि किसी और भी तरह का पेन हो और आप उसको मिसअंडरस्टूड कर जाएं। तो ये पेन कहाँ और कितना होता है? तो फ्रेंड्स, ये पेन आपके यूट्रस में होता है, लेकिन दर्द का साइट यानी कि दर्द की जगह पेट में, उस पर डिपेंड करती है जहां की जाके आपका भ्रूण चिपक रहा है यूट्रस में। नाभि के 4 अंगुल नीचे की तरफ यूट्रस होता है, यूट्रस की दीवार पे भ्रूण चिपकता है, तो आपको पेन जो होता है पीरियड पेन से बहुत कम होता है। ये पेन आपको अक्सर कई महिलाओं को शायद ऑब्जर्व भी ना हो, अगर वो ज़्यादा व्यस्त रहती हैं या उन्हें पता नहीं है कि ऐसी भी कोई चीज़ होती है, तो उन्हें महसूस भी नहीं होगा। बहुत ही हल्का होता है, बहुत ही माइल्ड होता है, तेज़ क्रैम्पिंग बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि तेज़ क्रैम्पिंग आपके गर्भ को ख़राब कर सकती है। ये आपके पेट के सेंटर में, नाभि के नीचे जो पेट का हिस्सा है, लोअर एब्डोमेन के हिस्से में, बीच में हो सकता है, हल्का लेफ्ट में हो सकता है या फिर राइट की तरफ, इन तीनों में से किसी एक जगह पे ये पेन हो सकता है। हो सकता है कि कुछ घंटों का हो सकता है कि 1, 2 या 3 दिन तक आपको हो, लेकिन बहुत ही हल्का पेन होगा, जिसको आप हल्की सेंसेशन कह सकते हैं। लेकिन इस पेन के साथ में, या ये पेन होने के 1, 2 दिन बाद 3 दिन बाद आपको गुलाबी सा या भूरा सा डिस्चार्ज मालूम पड़ता है, जो कि बूंदों के फॉर्म में हो सकता है, स्पॉटिंग के फॉर्म में हो सकता है, लेकिन कोई हैवी फ्लो नहीं होना चाहिए, तो आप इसको पुख्ता मान सकते हैं। यह भी जरूरी नहीं है कि इस पेन के बाद में आपको स्पॉटिंग हो ही, लेकिन 50% से ऊपर महिलाओं में इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग ऑब्जर्व की जाती है। तो फ्रेंड्स, ये जो पेन आपको बताया, ये प्रेगनेंसी का पेन है, गर्भ ठहरने के समय पेट के अंदर जो अनुभूति होती है, जो हल्का सा पेन होता है, जो खिंचाव होता है। तो फ्रेंड्स, आपने जाना कि गर्भ ठहरते समय
एक महिला के पेट में किस तरह का दर्द हो सकता है, कैसी अनुभूति हो सकती है, किस तरह का खिंचाव महिला महसूस करती है, और इसको समझने के बाद आप अपनी पीरियड डेट से पहले अपनी प्रेगनेंसी का अनुमान लगा के सेल्फ केयर पे ध्यान दे सकती हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी सहेलियों को ये जानकारी अच्छी लगेगी। लेकिन प्रेगनेंसी के बारे में और भी ज्यादा जानने के लिए आप मुझे यूट्यूब मॉम चैनल पे जरूर फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।